स्टार्ट। सो हाय, चलाते हैं अल्कज़ार को। दिस इज़ द 2 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक। नाउ दिस कार हैज़ लेस ऑफ लाइक अराउंड 200 nm ऑफ टॉर्क, राइट? सो या सो इट हैज़ 200 nm ऑफ टॉर्क, 50 Nm लेस देन द डीजल, बट द डीजल हैज़ ओनली समवेयर अराउंड 115 horsepower एंड दिस इंजन हैज़ समवेयर अराउंड 160-170 horsepower. And initially what I can feel with the engine, and this is coupled to a 6-speed automatic transmission, which is a... You're not visible. No, it's all fine. So this is coupled to a 6-speed automatic gearbox, which is a torque converter unit. And this car is all feature loaded, everything. You get all the Bose system, the 10-inch screen, और साथ में ऑटोमेटिक ए सी भी है गाड़ी के अंदर, और ये डिजिटल ड्राइव व्यू भी है जिसके अंदर मतलब इंडिकेटर डालने पे इट शोज यू द व्यू ऑफ व्हाट्स बिहाइंड यू फ्रॉम द मिरर ओवर हियर। सो एंड स्पोर्ट डिस्प्ले, इफ आई गेट इट, द डिस्प्ले इज एंड द ग्राफिक्स ऑफ द कार आर रियली गुड। आई जस्ट सेट द मिरर्स, सो स्पोर्ट मोड में डाल दिए गाड़ी को। एंड दिस इज द 2 लीटर पेट्रोल, पैड शिफ्टर्स है गाड़ी के अंदर, 10-inch स्क्रीन है, एवरीथिंग लाइक वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, देन वी हैव दिस ऑटोमेटिक एसी स्पोर्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज द ग्राफिक्स विच यू गेट ओवर हियर, लाइक रियली गुड ग्राफिक्स। एंड दिस इज अ वेरी मच यू नो अ फ्लश कार, यू कांट कॉल इट एज अ फ्लश कार बिकॉज मटीरियल क्वालिटी इजंट दैट लग्जूरियस, but it's a feature loaded car, it gives you all the features which you need from a car which is costing somewhere around 20-25 lakhs. And gaadi ko couple kar raha hai ek 6 speed ka automatic gearbox, torque converter unit hai. And what I can feel with the car is that initially the shifts are very smooth and you don't get to know the shifts, and the ride quality of the car, now I went through my articulation, is very soft, and that's the case with the Creta also. So what Hyundai people do is that they tune the car more towards comfort rather than spirited driving. And gaadi mein visibility all around, it's very good. Mirrors aapko electrically adjustable milte hain. And baaki saari cheeze sahi hain, auto power window, sab kuch hai gaadi ke andar. Like it's a feature loaded car to the gills. That's all. It's all about the top two. Rev करते देखते हैं। Pickup भी काफी बढ़िया गाड़ी का, like I must say. अभी high cross चला के आ रहा हूँ मैं। और high cross से इसके engine के अंदर immediately जो मैं difference feel कर रहा हूँ Innova high cross से, that this engine is more eager to drive with, like थोड़ा ज़्यादा sporty engine. Now the biggest issue with these cars of Hyundai like Creta and this one is this part of the dashboard, like cheap plastics which they have used. They are more focused on giving features rather than giving quality in the car. Now the paddle shifters also, there's not any delay in the paddle shifters also, like as soon as you click the paddle shifter it changes. Abhi service road pe chala raha hu taki ek brief लुक दे पाऊँ कि सिटी ड्राइविंग में कैसी है। सिटी ड्राइविंग में काफ़ी इजी कार है, लाइक दिस सॉल्व्स द पर्पस ऑफ अ 7-सीटर। प्लस आल्सो इस गाड़ी के अंदर आप एक डेली ड्राइवर को भी आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लिटिल बिट बिगर देन अ क्रेटा ओनली, एंड क्रेटा को आप एक डेली ड्राइवर इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड अनलाइक अदर कार, दिस इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव एट दिस प्राइस पॉइंट। तीन चार पंच नहीं है गाड़ी, अभी तक भी गाड़ी 100 टच नहीं करी है। सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। अब मुझे ये इंजन ज़्यादा इनोवा हाई क्रॉस से ज़्यादा सिमिलर लगने लगा, बिकॉज इंजन ये रैम कर रहे हैं, डीजल जितना टॉर्क नहीं है इसके अंदर, जो एक टॉर्क शब आना चाहिए, डीजल जितना टॉर्क शब नहीं है पेट्रोल के अंदर। अब यहाँ से एक यू टर्न लेंगे, और ब्रेक्स काफ़ी बढ़िया गाड़ी के, गुड इनफ ब्रेक्स, और इसमें वही कैमरा आ जाता है टर्न करने के लिए। अब इस गाड़ी में जो सीन है, नाउ हिंडाई पीपल
दे आर टारगेटिंग मोर ऑफ अर्बन ऑडियंस विद दिस कार, लाइक जो बैंगलोर में कोऑपरेट जॉब्स करते हैं या आई टी कंपनीज में. सो हुंडई पीपल आर टारगेटिंग दोज बायर्स लाइक बिकॉज दे वॉन्ट द फीचर्स एंड ऑल दैट एंड दे आर द टेक्नोलॉजी पीपल ऑफ इंडिया. नाउ दिस कार इजंट एज रफ एंड टफ एज यू कैन कॉल अ इनोवा क्रिस्टा बिकॉज दैट्स अ बॉडी एंड फ्रेम कार और इवन द स्कॉर्पियो एन. द स्कॉर्पियो एन इज अ बॉडी एंड फ्रेम कार दैट्स अ वे बिगर कार देन दिस वन. That also has features, but then that's more of an SUV car. This is more of a urban car which you can use in the city also. Scorpio you cannot use in the city. This car you can use in the city also. And you get the Bose sound system also here. Space all around is good. And you get automatic parking brake. All these auto dimming IRVM and all that. Sunroof aati sabse badi cheez gaadi ke andar. Indians jiske baare mein sabse zyada obsessed hai. और बाकी सब तो कुछ नहीं है, जाम जल्दी क्लियर हो फिर गाड़ी के बारे में बात करें. और रिफाइनमेंट गाड़ी के अंदर, Hyundai के डीजल भी इतने बढ़िया होते हैं कि पेट्रोल जैसे साउंड करते हैं, तो पेट्रोल तो आप सोचो कितना बढ़िया होगा. एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस पेट्रोल इज दैट इट्स वेरी रिफाइंड. मतलब इफ यू इवन सिट इन द कार यू डोंट गेट एनी साउंड. एंड प्लस टॉकिंग अबाउट इंसुलेशन ऑफ द कार, इंसुलेशन इन द कार इज रियली गुड. If you compare it to all other Ladron frame cars, like 3-4 days back when I drove the Scorpio, this car is way much more silent than the Scorpio and is more well insulated also. Power gaadi mein badi hai, but it just revs, matlab above a certain RPM, matlab 4-5000 RPM ke baad mein there is no point pulling this car. And now it has got somewhere around 100. That's the case of the car. And visibility all around बात करूँ ठीक है, साइड से भी आपको पूरी बॉडी लाइन दिखती है, यहाँ से भी पीछे से भी ठीक है व्यू. एंड सामने से आपको एज टू एज बोनेट भी दिखता है, तो सिटी वो SUV वाली फील है गाड़ी के अंदर. बाकी इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं गाड़ी के अंदर और बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं टू टॉक टू. एंड बाकी अगर हैंडलिंग की बात करें गाड़ी की, सो डायरेक्शनल चेंजेस बढ़िया है गाड़ी के अंदर. मतलब आप जैसे ही पंजा दबाओ गाड़ी के अंदर एक इंस्टेंट जो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या है कि आपके पास एक डिले नहीं होना चाहिए पावर के अंदर. सो वो डिले नहीं है गाड़ी के अंदर, लाइक एज सून एज यू प्रेस द एक्सेलरेटर द कार मूव्स अप. नाउ व्हाट्स द केस विद मोस्ट ऑफ द डीजल कार लाइक माय ऑडी A3 आल्सो माय इनोवा व्हिच आई हैड नॉट ड्रिवन येट, इट इज माय फिगर दैट दे टेक अ बिट ऑफ टाइम. They need around 2000 RPM mark and then after that they give the torque serve. In this car it's totally different. Either you be at any RPM, this car pulls, but it does not have the torque serve which you need in the car. और high speed stability में obviously एक monocoque car है, तो इसके अंदर वो vertical movements नहीं है जो majorly कार्स में देखने को मिलते हैं Ladron फ्रेम कार्स में, जैसे इनोवा क्रिस्टा और स्कॉर्पियो में. सो या दैट्स ऑल ड्राइविंग अबाउट द अल्काज़ार. इट्स अ प्रिटी रिफाइंड कार एंड इट्स अ अर्बन कार टू बी प्रिसाइज. सो इट्स नॉट अ कार विच यू विल यूज फॉर लाइक गोइंग ऑन लाइक ऑफ रोड एंड ऑल दैट. सो मोर ऑफ अ सिटी यूसेज कार, नॉट ऑफ यू नो रफ यूसेज कार. सो या दैट्स ऑल, थैंक यू.